हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और अभी अब्बा बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, उनका आँख भी बिल्कुल ठीक है और रोशनी काफ़ी अच्छी हो गई है अभी। और अभी कुछ दिन मैं अब्बा के पास ही रुकूंगा और अब्बू ठीक हो गए हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे पास में ही एक दरगाह शरीफ है, हज़रत शाह करामुद्दीन दरगाह, और एक सत्य शिवागढ़ फोर्ट है, उसको आज एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं अभी। तो अभी हम लोग करवार बस स्टैंड से सत्यशिवागढ़ जाने के लिए बस पर बैठ चुके हैं और अभी बस तो पूरा खाली है, देखते हैं कितना देर में यहाँ से खुलती है। तो फाइनली अपनी बस यहाँ से चल दी है, काफ़ी टाइम लगा यहाँ से इसे खुलने में, और यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, 7 किलोमीटर है, तो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो अभी बस लाकर हमें जो मज़ार है और जो सत्यशिवागढ़ है उसके पास छोड़ दिया। यहाँ से हमें पैदल जाना है, बस में तो ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा जैसे मैं पहले ही बोला, क्योंकि पास में ही है, इससे ज़्यादा टाइम हमें बस में बैठना पड़ा था। यहाँ से 500 मीटर दूर है मैप के हिसाब से दरगाह शरीफ। और एक चीज़ है यहाँ पर, ये जो नारियल का पेड़ है ना, हर जगह बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अभी गेट बंद है, थोड़ी देर में गेट खुलेगा, तो अभी हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं कुछ पढ़ते हुए। तो अभी यहाँ का ज़ियारत हो चुका है, तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, काफ़ी शाम हो गया वैसे, देखते हैं अगर टाइम होता है तो हम यहाँ के और जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, नहीं तो फिर रूम पे चलेंगे। तो अभी दरगाह शरीफ पे ज़ियारत हो गया और बगल में एक मंदिर है जो मैं गूगल पे सर्च किया था, तो ये मंदिर भी दिखाया था, तो अभी हम लोग चल रहे हैं वहीं पे। भाई यहाँ पे जाने के लिए ये रास्ता जा रहा है, ये सामने मज़ार शरीफ, ये रास्ता, और यहाँ से हम जा रहे हैं, ये आई थिंक तोफ है।
अच्छा, नेट पे मैं एक और, अभी आप देख रहे होंगे पिक्चर, ये पेड़ को भी मुझे यहाँ पे ढूंढना था, देखना था। तो इस, लेकिन अब टाइम मुझे लग रहा है कम पड़ जा रहा है, अगर फिर मैं नेक्स्ट टाइम आया ना तो फिर इसे भी ढूंढूंगा, या फिर मिल जाता है तो देखते हैं उसे भी। ये मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं कि अभी ये मंदिर बनने का काम चल रहा है। और यहाँ से बिल्कुल सामने मजार शरीफ दिख रहा है, और इधर है समुंदर, बहुत अच्छा व्यू है। हमारे पास आज टाइम कम पड़ जा रहा है, बस अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे ढूंढनी है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये भी मैं गूगल पे सर्च किया था तो ये फ़ोटो आया था इस एरिया में, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब चलते हैं नीचे, फिर उसी रास्ते से जाना है। तो अब हम लोग चल रहे हैं, बगल में ही बीच है तो बीच पे चलते हैं। ये सामने बीच भी आ गया, पास में मज़ार के बगल में ही बीच है। तो जो रोड हम आए यहाँ पे समुद्र देखने के लिए, समुद्र के पास, तो ये रोड ही आगे जाकर हाईवे से मिल रहा है, जहाँ से हमें बस मिलेगी फिर वापस जाने के लिए। तो यहीं से चलते हैं। किया गया ट्रायल हो गया तो ऑपरेटर को मैं बोला ले जाओ कहीं साइड में खड़ा कर दो, और वो आया कर्बो, समुद्र के किनारे ही होता है, इतनी अच्छी हवाएं लगती है ना, वो भी शाम के टाइम में। अभी यहाँ पे काफ़ी ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, मस्त है। यहाँ पे बस में आ रहे थे तो गर्मी हो रही थी, और अभी यहाँ पे काफ़ी सुकून मिल रहा है। ये जो लहरों की साउंड होती है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऊपर जो हाईवे है वहाँ तक जाने के लिए ये इधर से सीढ़ियाँ है, तो अच्छा ये भी। जो मैं वीडियो के पहले में आपसे बताया सत शिवागढ़, वो इसी पहाड़ के ऊपर है आई थिंक। तो अब तो टाइम बचा नहीं जाने का, तो सत शिवागढ़ आज नहीं जा रहे हम एक्सप्लोर करने, अगर फिर नेक्स्ट टाइम आया तो ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। तो ऐसे पहाड़ी रास्ते जो होते हैं ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जो यहाँ का हाईवे है वहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा। इधर ये आ चुके हैं हाईवे पे, अब हमें बस का इंतज़ार करना है। तो अभी मैं करवार में स्थित काला नदी पुल जो है उस पे खड़ा हूँ, और यहाँ से जो व्यू है ना, मतलब आपको अभी मैं दिखाता हूँ व्यू, बहुत ही खूबसूरत है। और सनसेट का ये जो व्यू है ना, इस व्यू का जो मज़ा है ना, ये सच में अलग ही है। आज का दिन ख़त्म हो रहा है ये खूबसूरत सा व्यू के साथ।
और इसके साथ ही मैं आज का ये ब्लॉग भी ख़त्म कर रहा हूँ। तो इस ब्लॉग में यहीं तक, हम अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एडवेंचर में।